नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प को एक साल बीत चुका है। डिसएग्रीमेंट और सैन्य सहमति की खबरों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात ठीक नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चीन अब गहरे इलाकों के साथ साथ LAC पर भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। पड़ोसी के इस कदम से सीमा पर हालात सामान्य होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि यूपी की सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए जिला पंचायत चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे हैं। यही नहीं, भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, रायबरेली और इटावा समेत कई बड़े जिलों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जोरदार टक्कर के साथ मात खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना के नोटिस और दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी के मामले में अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश के खिलाफ तत्काल सुनवाई की और केंद्र की याचिका पर विचार करने पर सहमति दे दी है। शहर में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति पर दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी अवमानना के नोटिस के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया जबकि अधिकारी ऑक्सीजन की कमी दूर करने को लेकर अपने सर्वश्रेष्ठ कोशिशें कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार लॉकडाउन को लेकर सख्त हो गई है। बताया गया कि अब आवाजाही के लिए लोगों को प्रशासन से पास लेना होगा। वैध पास के बिना आने जाने पर पाबंदी होगी। सूबे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती देख सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दी है और बिना पास के लिए आवाजाही करने पर पाबंदी होगी। यह पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे जिसके बाद ही आप कहीं आया जा सकेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा जिसके बाद जिला उपायुक्त पास जारी करेंगे। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक बार फिर से वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, इसके बाद फिर 2 दिन का बढ़ाते हुए 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे बढ़ाते हुए सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। लिहाजा ये पूरा हफ्ता अब लॉकडाउन रहेगा। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कैप्टन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। कोरोना वायरस की भयावह लहर का सामना कर रही राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 19,953 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस महामारी से 338 लोगों की जान चली गई। बता दें कि दिल्ली में इस महामारी के कारण 17,752 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में इस समय कोरोना वायरस के 90,419 उपचाराधीन मरीज हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि लोगों को टीका और रोजगार उपलब्ध कराने में मोदी सरकार नाकाम रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि न वैक्सीन न रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। बता दें कि राहुल गांधी लगातार कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा किया गया है। 5 मई को पेट्रोल के दाम बढ़कर 88.16 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, वहीं डीजल के दाम 81.20 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल के दाम में आज 19 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल में 21 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। कल भी पेट्रोल डीजल के दाम में 15 से 20 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी। हैदराबाद में 8 शहरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राजस्थान वन विभाग ने भी इस मामले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने सभी टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क और जू के अधिकारियों की अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इस पर मंथन किया और उसके बाद प्रदेश के जंगलों में और जू में बाघ, बघेरों और शेर सुरक्षा को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।